पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रविवार को नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद शंकर जी मोहल्ले के परिवार वालों से भेंट की। नरेंद्र मोदी सरकार को 7 वर्ष पूर्ण हो गए। इस अवसर पर रविवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागपुर शहर में स्वतंत्रता आंदोलन में केवल 16 वर्ष की उम्र में शहीद हुए अमर शहीद श्री शंकर जी मोहल्ले के निवास पर जाकर उनके परिजनों का सत्कार किया एवं उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की। आपको बता दें कि शहीद शंकर जी मोहल्ले ने मात्र 16 वर्ष की आयु में देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही नहीं बल्कि शहीद शंकर मोहल्ले के पिता दाजीबा मोहल्ले को भी स्वतंत्रता संग्राम में गोली लगी है। आज़ादी के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले शहीदों को याद कर सप्ताह भर की जन जागृति अभियान की शुरुआत करने के उद्देश्य से महापौर ने शहीद मोहल्ले के परिवार वालों से भेंट की। आज नरेंद्र भाई मोदी इनकी सरकार को 7 वर्ष हो रहे हैं, इस निमित्त संपूर्ण सप्ताह एक जन जागृति का कार्यक्रम इस दृष्टि से कार्यक्रम लेने का निर्धारित हुआ। नागपुर शहर का महापौर स्नाते मैंने आज के दिन की शुरुआत एक शहीद परिवार से आशीर्वाद लेकर के कार्य करने का निर्णय लिया। उसी दृष्टि से नागपुर शहर में केवल 16 वर्ष की आयु में इस नौजवान ने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के खातिर समर्पित कर दिया। इसका नाम इतिहास में शहीद शंकर मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार में उनके परिजनों के साथ मिलकर के उनका आशीर्वाद लेकर के दिन प्रारंभ करने की शुरुआत की। विशेष उल्लेखनीय यह है कि केवल शंकर मोहल्ले जी नहीं, इस परिवार को शहादत का वारसा रहा है। उनके पिता श्री दाजीबा मोहल्ले, उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम में गोली लगी है और ऐसे परिवार के बीच में आकर के मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। जिन परिवारों ने इस राष्ट्र की आज़ादी में अपना सर्वस्व समर्पण देकर के इस देश को आज़ादी दिलाई, उनके भरोसे आज हम ये आज़ादी का सूर्य देख रहे हैं। इसलिए उन्हें भूल करके हम भारत की संकल्पना नहीं कर सकते। इसी दृष्टि से मैंने आज दिन की शुरुआत हासिल की। मेरा सौभाग्य है कि परिवार ने आज समय दिया और समय के साथ साथ के साथ बैठ करके उस वातावरण की चर्चा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसलिए मैं इस परिवार का हृदय से आभार।